हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है अभीर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए काफी सारी न्यूज है, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं मां सफदर के बारे में। इन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अब से डेली व्लॉगिंग नहीं किया करेंगे और एक वीक के अंदर उनकी सिर्फ 2 से 3 वीडियो ही आया करेंगी। इसकी रीजन उन्होंने क्या बताई, उनकी वीडियो का थोड़ा सा पार्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बाकी पूरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। वाइफ है, उसके भी काफी इश्यूज रहते हैं, उसकी तबीयत भी बीच में खराब हो जाती है, तो वो व्लॉगिंग के अंदर तो आपका भाई बहुत ही उसको सिक्योर रखता है उस चीज को। उसमें क्या हो रहा है, उसमें होता है आपके भाई के व्लॉग डिस्टर्ब। दूसरी चीज, फरिया जो है उसके ट्यूशंस स्कूल्स ये होते हैं और मैं उसको फोर्स भी नहीं करता कि फरिया भाई अपना पढ़ाई छोड़ के मेरे साथ व्लॉगिंग करो। तीसरी चीज, मेरे जो भाई है, एक का चैनल है और एक जो है टमाटस मिंटस, वो अभी ट्रेनिंग पर है, मतलब वो चैनल के लिए ट्रेनिंग पर है। वो भी मेहनत कर रहा होता है, अपना सो रहा होता है, अपने टाइम से उठ रहा होता है, तो वो अपने अलग घर में रह रहा होता है। और मेरे साथ अवेलेबल जो है वो है मम्मा और सिर्फ मैं। पापा भी अपने काम पर होते हैं, अभी भी पापा नहीं है, काम पे जा चुके हैं। पहले जो था पूरा एक साल, वो आपका भाई किसी न किसी तरीके से मेंटेन कर लेता था। यार आप लोग को लगता होगा कि एक फैमिली व्लॉग बनाना बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, अपनी प्राइवेसी दिखाते जाओ और व्लॉग बनाते जाओ, व्लॉग बनाते जाओ, व्लॉग बनाते जाओ। नहीं भाई नहीं, उसको मेंटेन करना कि चलो आज तो बना लिया, कल क्या बनाऊंगा। तो वीडियो में अगली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बोला रिकॉर्ड के बारे में है। कुछ दिन पहले उर्वशी और नसीम शाह के दरमियान जो सीन चल रहा था उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। उस सारी बात के ऊपर बोला रिकॉर्ड ने रिएक्ट करते हुए उर्वशी को वार्निंग दिया है कि वो नसीम शाह से दूर रहे। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, उनकी वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट ऐलान करना नसीम शाह ਐਦਾ ਜਨਾਬਿਆ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਵਾ ਕੇ ਚਾਪੀਆ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਦੇ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋਹੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰੂਸ਼ੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਬਈ ਟੁਰ ਗਈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿਆਦਾ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਅਰੂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਮੈਂ ਪੂਰਕ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਅਰੂਸ਼ੀ ਆਓ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਬੱਚਾ, ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ, ਫੌਜ ਫੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो वीडियो में अगली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सज्जाद जानी के बारे में है, जिन्होंने कुछ मंथ पहले एक इंडियन एक्टर के साथ एक इंटरव्यू अपलोड किया था। इसी बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो उन्होंने जिसके साथ इंटरव्यू किया था उनकी तबीयत काफी खराब थी। इसी बारे में उन्होंने उनसे सॉरी भी की। उनकी वीडियो का थोड़ा सा पार्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बाकी पूरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਪੈਨਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੇ 2-3 ਵਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3-4 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਾ ਕੇ, ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਗਵਾਚਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। तो वीडियो के एंड पर बात कर लेते हैं बाबा जी के बारे में। हमारे एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने अपनी एक तस्वीर एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड की। उसी तस्वीर पर रिएक्ट करते हुए बाबा जी ने कुछ ये कहा। अभी इंटरनेट पे देखिए, जिसमें हमारे मुल्क के नाम निहाल पॉलिटिशियन ख्वाजा साद रफीक साहब सैलाब जदगान की मदद कर रहे हैं, मतलब कि फोटोशॉप करके ही तस्वीर अपनी रेलवे ट्रैक पे चढ़ा दिया। वो खुदा का खौफ करो, कोई अच्छा फोटोशॉप वाला बंदा हायर कर लो, ये हाल हमारे पॉलिटिशियंस का। अब तुम लोग यहाँ से अंदाजा लगा लो कि हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने काम से बचने के लिए फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। फोटोशॉप पर ये तस्वीर लगा दी है कि हमने ये काम कर दिया, लेकिन वो किया नहीं होता। तो ऐसी कौम का अल्लाह ही हाफिज ना हो तो। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।